एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश और मशक्कत करवाई। सच कहूं माँ बहुत याद है। चेक वाला लेना दूसरे से करंट लगता है, वो कहती थी लाइटर प्लास्टिक वाला लेना दूसरे से करंट लगता है, बुलका कच्चा मत पलट अच्छा नहीं बनता है। वो कहती थी लाइटर प्लास्टिक वाला लेना दूसरे से करंट लगता है, फुलका कच्चा मत पलट अच्छा नहीं बनता है, आटा गूंथना बहुत आसान है, तुझसे क्यों नहीं बनता है, तेरे बस का कुछ नहीं, तू तो बिल्कुल निठल्ला है। फिर जब अपने हाथों की बनी जली रोटी खाया उसकी हर बात पर गुस्सा हो जाता था, घीये बनाए तो मुंह फुलाता था। मैं तो उसकी हर बात पर गुस्सा हो जाता था, घीये बनाए तो मुंह फुलाता था, अपने जूठे बर्तन कहाँ सिंक तक ले जाता था, कल की बची सब्जी को ना हाथ लगाता था, सब्जी में जो नमक ज्यादा हो में कितनी भूल आती है, तुझे कितनी बार रोकूं बात समझ क्यों नहीं आती है। पूछा लगाते हुए फिर जब पीठ ने दर्द की गुहार लगाई, सच कहूं माँ बहुत शुक्रिया। आइए आज तो नींद की छुट्टी, 6 महीने की दौड़ धूप के बाद कमरा मिला, वो भी कम्युनिटी हॉल के बाद में। कभी कला विभाग, कभी संस्कृति विभाग, विमेंस क्लब, इनोवेट क्लब, तंबोला और तीज से लेकर सभी साल के कार्यक्रम इसी हाल में होते हैं। कौन कहता है हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। कभी कभी तो यह नृत्य और संगीत के कार्यक्रम अच्छे लगते, लेकिन छुट्टी वाले दिन किसी सजा से कम नहीं लगते। बिना टिकट और निमंत्रण के पूरे कार्यक्रम का विजुअल ना सही, पर ऑडियो तो सुनना ही पड़ता है। ज्योति का खिड़की से झांकना, नीचे स्कूली बच्चों का पोशाक में होना, हाथ में कागज से रट्टा लगाते, लौट में चक्कर लगाते देखना। क्या आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है? जरूर आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संवाद या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों के भाषण की कुछ पंक्तियाँ कानों में पड़ती। आज विश्व को आवश्यकता है एक बुद्ध की, जो मानव जाति को एक बार फिर अहिंसा और प्रेम का संदेश दे, जिससे संस्थान में सुख शांति हो। पब्लिक स्कूल का छात्र यह सर करते हुए कहता है, बुद्धा इज बोर्न वंस इन ए सेंचुरी, ही इज बोर्न इन द टाइम ऑफ क्रॉसेस एंड क्रॉस। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है, जब मैं भी ऐसी ही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी। मुझे ठीक से याद है, डाइस पर हाथ रखकर अध्यक्ष महोदया निर्णायक मंडल को संबोधित करना, स्वर को कभी मंद कभी बुलंद करना, डाइस ठोकते विपक्षी वक्ताओं के तथ्यों और तर्कों की अपने काटे तर्कों से प्रतिभागियों के चेहरे को अभाकीन कर देना। क्या कुछ नहीं होता था इन प्रतियोगिताओं में। निर्णायकों की प्रशंसा, श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट, ऐसा महसूस होता था मानो कोई ओलंपिक पदक जीत लिया हो। चलो अब नींद तो आएगी नहीं, तो क्यों ना कम्युनिटी हॉल जाकर प्रतिभागियों को ही सुना जाए। पहले और अब की प्रतियोगिताओं में कुछ तो अंतर आया ही होगा। ज्योति का कम्युनिटी हॉल में पहुंचना, जहां संस्कृति भाग के अधिकारी दुर्गा दास हॉल में आते ही रहते थे। अरे दुर्गा दास जी, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे मैडम, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभागों ने इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन रखा है, तो बस उसी की तैयारी में लगा हूँ। वैसे अच्छा कि आपने जो आप यहाँ आ गई, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। आपको इस आयोजन के लिए निर्णायक का पद संभालना होगा। निर्णायक? नहीं नहीं माफ कीजिए, लेकिन आज छुट्टी के दिन मुझे काफी काम निपटाने हैं। मैं तो बस यूं ही कुछ देर के लिए माइक की आवाज़ सुनकर आई थी। अरे नहीं नहीं मैडम, मना मत कीजिए, आपसे अच्छा निर्णायक और कौन हो सकता है। आखिर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए पीएचडी रह चुकी हैं। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इस प्रतियोगिता में हिस्सा कौन ले रहा है, किस विषय पर प्रतियोगिता है, नियम क्या है, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अरे मैडम,
गौतम बुद्ध के विचारों की समाज में प्रासंगिकता इस विषय पर भाषण प्रतियोगिता होनी है और सभी स्कूलों को सर्कुलर भी भेजा जा चुका है। वैसे मैडम एक बात कहूँ, ये पब्लिक स्कूल के बच्चों की तो बात ही कुछ और है, ज़्यादातर बच्चे भी वहीं से आए हैं, और बाकी ये सरकारी स्कूल के बच्चे इनका तो बहुत बुरा हाल है, इनसे तो बस हड़ताल करवा लो, बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी एकदम ज़ीरो। चलो कोई बात नहीं, पर आप ये बताओ कि दूसरे निर्णायक कौन है? दूसरे निर्णायक इतिहास विभाग से होंगे और तीसरे निर्णायक आप ही हैं। अच्छा, तो क्या आप ऐसे कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हर साल करवाते हैं? अब क्या बताएं मैडम, ये सब तो शोशे है, हर साल तो छुट्टी डिक्लेयर होती थी, ये पहली बार ही हो रहा है, वो चुनाव आने वाले हैं ना, वोट चाहिए, पर चलो अब कहा है तो करवाना तो पड़ेगा ही। हाँ जी, वो तो करवाना ही पड़ेगा, चलो अब प्रतियोगिता में ही देखते हैं। कला विभाग से कौशल जी का आना और दुर्गा दास का नाराजगी जाहिर करना। आप यहाँ खड़े हैं, मैं कब से विभाग में फोन कर रहा हूँ, कोई फोन उठाता ही नहीं है। अरे तो मेरी तो यहाँ ड्यूटी लगी हुई है और मेरा फोन भी डायरेक्टर साहब के कमरे में ही रह गया। वैसे मैं रोहित शर्मा के इंतजार में हूँ, आया नहीं अभी तक। और एक बात तो बताइए, सुबह के नाश्ते का कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ से होगा, इसीलिए तो आपको फोन कर रहा था। बेकरी वाले को पेस्ट्री और बिस्किट का ऑर्डर दिया था, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। वैसे मैडम यहाँ आसपास कोई दुकान तो होगी? हाँ जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पीछे एक दुकान है तो सही, वहीं से मंगवा लो, काम तो हो ही जाएगा। बस फिर ठीक है, शर्मा से कहो वहीं नाश्ते का इंतजाम कर ले। हाँ चलो ये भी ठीक रहेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है ना। हाँ ये तो है। निर्णायक की भूमिका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, ऐसी प्रतियोगिताओं में सारा दारोमदार निर्णायक पर ही होता है। कितनी ही बार अच्छे से अच्छे वक्ताओं को भी साधारण वक्ताओं से हाथ दिखा, विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण भावों की अभिव्यक्ति, इन सभी कुछ के आधार पर ही निर्णय होने चाहिए। निर्णायकों के निर्णय से असंतुष्ट होने का मेरा अपना भी एक अनुभव है, अब किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। अब जब दूसरे निर्णायक आएंगे तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी कि अंगों का विभाजन किस प्रकार से किया जाए। कौशल जी, वैसे आप लोगों ने इस प्रतियोगिता का विषय क्या बताया था? विषय तो मुझे याद नहीं, पर शायद बुध पर कुछ था। हमारे डायरेक्टर साहब चाहते थे सेमिनार हो, पर इतने शॉर्ट नोटिस में संभव कहाँ, इसीलिए हमने भाषण प्रतियोगिता रखी है। संस्कृत विभाग के फोटोग्राफर का आना। समझ नहीं आ रहा, समझा दो। अरे ज्योति, जब तुम अपने भाषण को बोलोगी तो शब्दों पे थोड़ा जोर देकर बोलना, ठीक है? और ऐसा करना, जब तुम भाषण को बोलोगी तो अपनी आवाज को बुलंद रखना, ठीक है? तुम ऐसा करो, अपनी स्पीच को याद करो, मैं बाकी बच्चों को देखकर आती हूँ कि वो क्या करे और उनकी स्पीच याद हो गई है या नहीं, ठीक है? यस मैम। सभी याद आते हैं। अरे भैया आप क्या काम कर रहे हैं? मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तू अपना काम बता। जरूरी तो नहीं लग रहा आपका काम, तू अपना काम तो बता। पहले वादा करो कि मेरा काम करेंगे आप। पहले काम तो बता। नहीं पहले वादा करो ना करेंगे। अगर ढंग का हुआ तभी करूँगा। अच्छा, मेरा काम ढंग का नहीं होता ना। अरे बाकी सब छोड़, तू काम बता। अच्छा तो मेरे स्कूल में प्रतियोगिता है ना, वहाँ के लिए स्पीच लिख दो। मेरे से नहीं होते भाषण वगैरह, अभी तो वादा किया था। अरे नहीं होते। प्लीज भैया। अरे नहीं प्लीज। अरे नहीं प्लीज। अरे ज्योति नहीं। ठीक है मत लिखिए हमारी स्पीच और हम अपनी मैडम से मना करा देंगे। अरे ज्योति ये स्पीच वगैरह सब फिजूल है, कोई सुनता भी है इनको ध्यान से? जितना टाइम तू इसे रटने में लगाती है उतनी देर अपनी पढ़ाई करेगी टॉप करेगी टॉप। ये ले पकड़ दू और चुप कर, क्या बोले जा रहा है, ना खुद काम करता है ना इसको करने देता है। कभी एक छोटी सी ट्रॉफी भी जीत कर लाया है, अगर तुझसे स्पीच नहीं लिखी जाती तो मना करते, इतना लंबा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है।
अब लिखेंगे मेरी स्पीच? चल दे दे, अब डांट पढ़वाई दिए। उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, लेकिन भैया के लच्छेदार शब्दावली और तर्क पढ़कर सारी नाराजगी दूर हो जाती थी। ना जाने उनके किसी लेखन से मैंने कितने ही मेडल और ट्रॉफियां जीती। मैं तो इनका क्लीन कर रहा। अरे इधर आओ तुम दोनों, क्या कर रहे हो? मैम स्पीच याद कर रहे। हो गई तुम्हारी स्पीच याद? यस मैम। तो तुम्हारे मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ, ठीक है? तो तुमने ऐसा करना है कि तुम्हारे भाषण के लिए टोटल 4 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है? और भाषण को थोड़ा सा टिक के बोलना है ताकि सुनने वालों को समझ में आए कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, ठीक है? और भाषण बोलने के लिए तुम्हारे 4 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे ही बेल बजेगी वहां से तुम लोगों ने चले जाना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? और ऑल द बेस्ट। आज विश्व को आवश्यकता है एक बुद्ध की, जो एक बार फिर से मानव जाति को अहिंसा और प्रेम का संदेश दे, संसार में सुख शांति हो। लेकिन फिर भी आज के दिन हॉल खाली है, कोई भी इस प्रतियोगिता को देखने नहीं आया। लोग अभी भी अपनी संस्कृति से विमुख हैं। आजकल तो अगर कैलेंडर में छुट्टी हो तो ही उत्सव त्योहार और प्रतियोगिता का पता चलता है। कोई भी प्रतियोगिता, मास्टर जी कुछ दिनों के लिए महानगर आते हैं जहां उनका बेटा और बहू काम करते हैं। वे अपनी पत्नी को फोन पर महानगर की खबर सुनाते हैं, परंतु समय के साथ उन्हें एहसास होता है कि गांव की शांति और सादगी की यादें अबानी ठाकुर, और इसे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रीय विद्यार्थी मृदु निष्ठा, रिधि कर्णिका, रिद्धिमा आयुष, नीलाक्षी अक्षय, ओजस मिताली, काबू शुक्ला, दिव्यांशी और मयूराक्षी। एक बार जोरदार कनेक्टिवियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसी भी संदर्भ में हम उस कविता को और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय बालगढ़ स्कूल अंजार सखी के विद्यालय। आज का दिन ही भाग्य लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल के विद्यालय। एक बार जोरदार भाग्य। बैठ के बात करते हैं।
पार्टी। अरे तुम्हारी माँ का नाम? हाँ बाबूजी, हमने घर का नाम माँ के नाम पे रखा है। आइए बाबूजी आपका घर। घर तो बहुत सुंदर है। चलिए बाबूजी, आप बहुत थक गए होंगे, आपको आपको खाना दिखाएगा। सुंदर है लगता है, ये पूरा घर बहुत महंगा होगा। अरे मैं तो बाबूजी को बताना ही भूल गया, पहुंच गए। चलो बात कर लेता हूँ। है मेरे नाम पर?
लेकिन क्या जी भागवंती, लेकिन फासला लुभी उठ नहीं रहा जितना पहले था। आज से तो है जी फासला समझे ना तू, आखिर 12 जमा